पाकिस्तान की आर्थिक हालत बद से बदतर हो रही है। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के साथ तनाव लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की आम जनता बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। इन सब के बीच में पड़ोसी मुल्कों से लगती सीमा पर विद्रोह भी लगातार बढ़ रहा है। भारत के कब्जे वाले क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान की बर्बरता किसी से छिपी नहीं है। हालांकि इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पीओके में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब वाहवाही हो रही है। आर्थिक हालात के बुरे दौर से गुजर रहा पाकिस्तान अपने अवाम की माली हालत को सुधारने में नाकाम रहा और धीरे धीरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी उसके लिए मुश्किलों का सबब बन चुका है। अब इस बीच पीओके की विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रातों रात नींद उड़ गई है। पीओके की विधानसभा में कश्मीर से कॉरिडोर बनाने की मांग उठी। जाहिर है कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए इस तरह की मांग काफी तकलीफ भरी है। पीओके की विधानसभा में कश्मीर से पीओके तक कॉरिडोर बनाने की मांग अपने आप में आगे आने वाली मुसीबत की तरफ इशारा कर रहा है। बता दें पीओके की विधानसभा में उठी कॉरिडोर की मांग गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सुझाए गए कॉरिडोर से मिलता जुलता है। एक सप्ताह पहले उन्होंने पीओके में स्थित शारदा पीठ तक कॉरिडोर बनाने की बात कही थी। भरोसा जताया गया कि भारत सरकार इस दिशा में काम करेगी ताकि श्रद्धालुओं को शारदा पीठ के दर्शन का मौका मिल सके। वहीं पीओके विधानसभा ने एक गलियारा बनाने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया जो पीओके के लोगों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर तक यात्रा करने की राह को आसान कर देगा। प्रस्ताव एएमएल द्वारा पारित किया गया था जो इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी संबंधों से जानी जाती है। इस बारे में पीओके के विधानसभा के स्पीकर से बात भी हुई जिसमें उनसे आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया। जिस शारदा पीठ कॉरिडोर का जिक्र हो रहा है उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। शारदा पीठ मंदिर पीओके में मुजफ्फराबाद की नीलम घाटी में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। मंदिर को 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है और ये देवी शारदा को समर्पित है। शारदा पीठ मंदिर के लिए एक हिंदू तीर्थ गलियारे का प्रस्ताव करतारपुर गलियारे की तर्ज के समान ही माना जाता है जिसे 2019 में भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने की अनुमति देने के लिए खोला गया था। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया और इस कदम की निंदा की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय सांसदों पर पीओके में शारदा पीठ मंदिर के लिए एक तीर्थ गलियारा बनाने की भारत की इच्छा को अप्रत्यक्ष रूप से मंजूरी देने का आरोप लगा दिया। खैर इन सब के बीच में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को पीओके ने मंजूरी दे दी है ये कहना गलत नहीं होगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शारदा कमेटी कश्मीर के संयोजक रविंद्र पंडिता द्वारा दिए गए एक सुझाव का जवाब दिया जिसके जवाब में गृह मंत्री शाह ने कहा कि ननकाना साहिब गुरुद्वारा और पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर की तरह ही शारदा पीठ कॉरिडोर को भी चालू किया जाना चाहिए। शाह ने कहा कि सरकार करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर शारदा पीठ को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की दिशा में जरूरी फैसला लेगी जिसे अब पीओके का समर्थन मिल गया है और पाकिस्तान की सरकार की टेंशन इससे बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।